अस्सलाम वालेकुम, लवबर्ड वैली की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक किस्सा शेयर करूंगा। जब मैं इंग्लैंड में था तो मैं वॉलेट पर्सनाटा का पेयर खरीदने घर से निकला। तो वहाँ क्या हुआ ये आज वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। फ्रेंड्स, बर्ड्स का शौक़ मुझे बचपन से ही था। शुरू से जब मैं 8 साल का था तो तब से ही मुझे बर्ड्स का शौक़ हो गया था। तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, 12-13 साल का हुआ, तो मैंने अपने बर्ड्स खुद से रख लिए थे। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहा। फिर मेरा इंग्लैंड में एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में, तो मैं पढ़ने इंग्लैंड चला गया। तो वहाँ पे मैं एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहा था। बाकी भी जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे वो स्टूडेंट्स ही रह रहे थे ज़्यादातर उस घर में। तो जब मेरा पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो रिज़ल्ट आना था, दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होना था, तकरीबन 1 हफ़्ते का उसमें गैप था। तो मैंने सोचा कि चलो यार कोई बर्ड्स वगैरह रखते हैं। तो मेरा प्रोग्राम बना, मैंने कहा यार एक वॉलेट पर्सनाटा का एक पेयर मैं लाता हूँ और ला के अपने कमरे में एक केज लेके तो मैं उसे अपने कमरे में रख लूँगा। मैंने कहा यार चलो उसमें बॉक्स एक लगा दूँगा तो ब्रीड करता रहेगा, जब वापस जाऊँगा पाकिस्तान, मेरा कोर्स ख़त्म होगा तो मैं जहाज़ में रख के तो उसको वापस पाकिस्तान ले आऊँगा। तो ये मेरा प्रोग्राम बना। मैंने नेट पे सर्च किया कोई करीब तरीन पेट शॉप हो, तो मैंने जब सर्च किया तो वहाँ पर एक जगह थी स्लिप एंड, मैं रह रहा था ल्यूटन में, मेरी यूनिवर्सिटी भी ल्यूटन में थी, तो उसका करीब तरीन इलाका जो था वो स्लिप एंड था। तो वहाँ पे एक स्लिप एंड पेट शॉप थी, तो वो उसका एड्रेस मैंने लिखा पेज पे और मैं घर से निकल पड़ा स्लिप एंड की तरफ। तो अभी मैं 10 मिनट आगे चला था तो मेरे साथ एक लड़का घर में रहता था आरिफ, उसका मुझे फ़ोन आया। उसने कहा उमर तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं स्लिप एंड जा रहा हूँ। उसने कहा स्लिप एंड? मैंने कहा हाँ यार इधर करीबी जगह है स्लिप एंड, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ एक पेट शॉप है तो मैं बर्ड्स लेने जा रहा हूँ। उसने कौन से बर्ड्स? मैंने कहा लव बर्ड्स। उसने कहा लव बर्ड्स? मैंने कहा हाँ यार वो छोटे साइज़ के तोते होते हैं उन्हें लव बर्ड्स बोलते हैं, वो मैं लेने जा रहा हूँ, मैं जब पाकिस्तान में था मैंने रखे हुए थे। तो मैंने कहा यार चलो यहाँ पर भी मैं रख लूँगा। तो आरिफ ये मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था, वो LLM कर रहा था, मैं MSc फाइनेंस कर रहा था। तो हम लोग अक्सर इकट्ठे ही जाते थे शॉपिंग वगैरह करने, वहाँ पे ल्यूटन मॉल था, वहाँ से हम लोग शॉपिंग करते थे। तो उसने समझा कि ये जा रहा होगा शॉपिंग करने, तो चलो मैं भी इसके साथ जाके शॉपिंग कर रहूँगा। तो आरिफ ने कहा कि भी मुझे भी ले चलो, तो मैंने कहा यार चलो तुम मेरे साथ चले चलो। तो फिर आरिफ, मैंने उसे बता दिया मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, तो आरिफ आ गया 10 मिनट में वहाँ पर। तो फिर हम लोग वहाँ से स्लिप एंड की तरफ रवाना हो गए। अब अजनबी शहर था, वहाँ पे कोई हमें रास्ते भी पता नहीं थे, तो हम लोग मोबाइल पे देख देख के जा रहे थे। मोबाइल पे वहाँ पे मैप आ जाता है कि मतलब आप जिस जगह पे जिस लोकेशन पे आप खड़े होते हो ना, वहाँ पे आपका आ जाता है कि अच्छा आप इस जगह पे हो, तो मैप पे फिर आप देख लेते हो कि आपने अब जाना है तो किस रोड पर मुड़ना है। जिस तरह देख देख के हम जा रहे थे, तकरीबन 1.5 घंटा जो था हमें लगा, तो हमने चलते रहे 1.5 घंटा चले और उसके बाद हम स्लिप एंड पहुँचे। जब हमने देखा तो सामने स्लिप एंड लिखा हुआ था, तो हमने कहा यार गुड हो गया हम पहुँच गए स्लिप एंड। तो हम फिर स्लिप एंड के अंदर दाखिल हुए, थोड़ा सा चले आगे तो आगे देखा तो स्लिप एंड पेट शॉप लिखा हुआ था, तो हमने कहा यार गुड हो गया यार पहुँच गया। आरिफ ने भी कहा यार चलो शुक्र है हम लोग पहुँच गए हैं, काफ़ी देर हमें लगी है, 1.5 घंटा हम लोग चलते रहे, उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे। तो हम लोग जब दुकान के करीब गए, देखा तो दरवाज़ा बंद था, हमने दरवाज़ा खोला उसका, अंदर नज़र वगैरह दौड़ाई तो तोते वगैरह परिंदे तो कोई नहीं थे, वहाँ पे पिंजरे वगैरह पड़े हुए थे, बर्ड्स के दूसरे दाना वगैरह पड़ा हुआ था, उनका डाइट वगैरह की जो पैकेटों में होता है वो पड़ा हुआ था, दूसरी बर्ड्स की एक्सेसरीज वगैरह पड़ी हुई थी। तो राइट साइड पर काउंटर पर एक औरत बैठी हुई थी, तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा ये आपके पास बर्ड्स वगैरह हैं? कहती नहीं हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं रखते बर्ड्स? कहती नहीं वो अब असल में हुकूमत ने
انشورنس ان کی جو ہے نا وہ لازمی کر دیا، تو اگر ہم رکھیں گے تو ہمیں انشورنس کرانی پڑے گی، تو ہم اس لیے نہیں رکھتے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے برڈس کہاں سے مل سکتے ہیں؟ اس نے کہا آپ نا کسی بریڈر سے پتہ کرو، تو آپ کسی بریڈر سے کانٹیکٹ کرو اور اس سے آپ برڈس خرید لو۔ خیر ہم اس کو تھینک یو کہہ کے تو واپس چل پڑے۔ تو بہرحال وہاں پہ برڈس تو نہیں ہمیں ملے، کیونکہ وہاں پہ وہ نہیں افورڈ کر سکتی ہوگی، ظاہر بات ہے وہ اس علاقے میں اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوگی برڈس کی۔ تو اس نے کہا چلو بہتر یہی سمجھا کہ وہ برڈس کی پنجرے وغیرہ ایکسیسریز وغیرہ اس نے رکھی ہوئی تھی۔ انگلینڈ میں برڈس مل جاتے ہیں، وہ ایک جگہ میں نے اور سرچ کی تھی بعد میں، وہاں پہ بہت بڑی کمپنی تھی ایک، تو وہاں پہ بہت زیادہ ان کا بڑا سیٹ اپ تھا، تو میں نے بڑا سرچ کیا نیٹ پہ کہ وہاں کوئی کنوینس وغیرہ، کیونکہ وہاں پہ میں اسٹوڈنٹ تھا تو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو کنوینس وغیرہ وہاں پہ میں نے دیکھا کوئی بس وغیرہ کا کوئی روٹ وہاں نہیں تھا جاتا، تو کافی میں نے سرچ کی تو خیر کوئی وہاں پہ نہیں۔ اپنی اگر کنوینس ہو یا آپ ٹیکسی کراؤ، ٹیکسی تو کافی پیسے لیتی ہے، تو پھر جو تھا وہ میں نے پروگرام جو تھا وہ ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد پھر میرا سیکنڈ سیمسٹر سٹارٹ ہو گیا تھا، تو پھر اس کے بعد مجھے ٹائم نہیں ملا، میں اس میں بزی ہو گیا۔ تو جب میرا سیکنڈ سیمسٹر آف ہوا نا، پھر جب میرا کمپلیٹ ہوا، مجھے مطلب رزلٹ ویٹنگ تھا، پھر میں نے ایک دفعہ پروگرام بنایا کہ میں جو ہے نا دوبارہ دیکھوں یہاں انگلینڈ میں برڈس وغیرہ شاپس کس طرح کی ہیں یا کیا ہے، تو وہ اب میں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی کہ میں نے وہاں پہ کیا دیکھا جب میں سیکنڈ سیمسٹر کے بعد میں برڈس دیکھنے گیا۔ تو فرینڈس چلے میں اب جو ہے یہ ویڈیو میں اینڈ کر رہا ہوں، تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے وہاں پہ کیا دیکھا انگلینڈ میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdvalley.com، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اپنے برڈس کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔